माँ गंगा की असीम कृपा से अजमेर जटिया पंचायत संस्था अजमेर जटिया समाज की संस्था है। जटिया समाज सभी समाजों को साथ में लेकर सामूहिक विवाह सम्मेलन कार्यक्रम करता है प्रत्येक वर्ष गंगा सप्तमी के पर्व पर। आज के दिन माँ गंगा धरती पर अवतरण हुई थी। माँ गंगा जटिया समाज की कुल देवी है। हमारे लिए मुख्य अतिथि सिरमौर माँ गंगा है। माँ गंगा की असीम कृपा से प्रत्येक वर्ष हम सामूहिक विवाह सम्मेलन करते हैं और गरीब अमीर लोकल यूपी से एमपी से इंदौर से जयपुर से जहाँ से भी कोई इस विवाह सम्मेलन में भाग लेना चाहता है सहर्ष हम उसे स्वीकार करते हैं। और पूरा समाज 5 साल से 75 साल के बुजुर्ग तक के बच्चा बच्चा बुजुर्ग बुजुर्ग महिला महिला बच्ची बच्ची माताएं बहनें सभी इस कार्यक्रम में इस तरह से लगती है जैसे माँ गंगा की चरणों में अपने सिर को झुकाकर सेवाएं देती है। आज कितने जोड़ों का आज सामूहिक विवाह सम्मेलन में 11 जोड़ों को संपन्न किया जा रहा है और उन जोड़ों को पूरा जटिया समाज चाहे अन्य समाज सब अपने इच्छा अनुसार अपने हृदय से जो भी उपहार आशीर्वाद दे रहे हैं वो जटिया पंचायत संस्था मंजूर कर रही है और उन बच्चों को सपुर्द कर रही है। आज क्या क्या हुआ यहाँ पर जैसे कि कल रात्रि में एक दिन पूर्व माँ गंगा का रात्रि जागरण था जिसमें पूरे राजस्थान से लोग आए थे। करीब 6,000 लोग यहाँ उपस्थित थे और उसके पश्चात सुबह 8 बजे शिव मंदिर सुकड़िया से मुख्य अतिथिगण और समाज के बुजुर्ग माताएं बहनों का सम्मान करते हुए जुलूस निकाला। वह जुलूस सुखाड़िया नगर से 13 क्वार्टर शिव कॉलोनी बाड़गंज जटिया बस्ती घटेक बस्ती सिंधी बस्ती पंजाबी बस्ती नाई बस्ती से होते हुए माँ गंगा के मंदिर में संपन्न हुई है और उसके बाद की स्थिति आपके सामने है। 151 कलश प्रत्येक वर्ष निकाले जाते हैं। उसका कारण होता है ये है वैसे तो हमारे यहाँ 2,500 महिलाएं भाग लेती है लेकिन ये मई और जून में ये कार्यक्रम होता है इसलिए महिलाओं को ज़्यादा परेशानी न हो इसलिए हम कलशों की मात्रा मिनिमम करते हैं। मेरा नाम हरचंद जटिया है। मैं जटिया समाज का प्रथम सेवक हूँ।